सीज का दस इसका कि यहीं की यहीं रोक दो, सीज का मतलब वहीं की वहीं वहीं सीज स्टेचू बन जाइए, यानी आगे मत बढ़िए, जितना काम है वहां तक करिए। ओके, लेकिन ये काम लिस्टेड कंपनी के केस में नहीं करना है, और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग। पक्का? हाँ जी। अब हम समझते हैं पेनल्टीज। अब पेनल्टीज के बारे में समझते हैं। पेनल्टीज अंडर सेवन सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है सेबी एक्ट के अंदर, दैट इज द पेनल्टीज। ठीक है, तो ये आपको बड़े ध्यान से अपने दिलो दिमाग जहन में बैठा लेना है, बहुत अच्छी तरीके से समझना है क्या है सेबी एक्ट के अंदर पेनल्टीज। ठीक है, इन पेनल्टीज को बड़े अच्छे तरीके से आपको समझना है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं पेनल्टीज। पेनल्टीज अंडर सेबी एक्ट, क्लियर? तो अब हम पेनल्टीज को समझते हैं। तो ये पेनल्टी दी गई है सेक्शन 15A2, 15J, यहां तक ये पेनल्टी दी हुई है, तो बड़ी सीवियर पेनल्टीज हैं, बहुत जरा ध्यान से आप समझिए। तो सबसे पहले क्या है, पेनल्टीज है, सबसे पहली पेनल्टी है सेक्शन 15A के अंदर, ₹1 लाख पर डे, ₹1 लाख पर डे, ₹1 करोड़। कब? इफ ए पार्टी फेल्स टू, किसकी चीज में फेल होती है, फेल्स टू फर्निश डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड बाई एक्ट, एक्ट के अंदर कोई डॉक्यूमेंट फर्निश करने हैं वो फर्निश नहीं करती है, कोई इंफॉर्मेशन फाइल करनी है वो इंफॉर्मेशन फाइल नहीं करती है। ओके, और जो बुक्स मेंटेन करनी है वो बुक्स मेंटेन नहीं होती है। तो इस पर क्या पेनल्टी है, 1 लाख पर डे, ₹1 करोड़। ओके, सेक्शन 15B, ये बेसिकली इंटरमीडियरी के लिए है, इंटरमीडियरीज के लिए है। यदि वो फेज टू कॉन्ट्रैक्ट, जब भी आप सेल परचेज करते हो तो उसके 24 घंटे के अंदर उसको क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट नोट बना के भेजना होता है। ये जो पेनल्टी है इसमें से जो भी कम होगी, विच एवर इज लेस, तो यदि इंटरमीडिएट फेज टू कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ जी, तो इसके अंदर भी सेम पेनल्टी है, ₹1 लाख पर डे, और ₹1 करोड़, विच एवर इज लेस। यदि देर से हमने कॉन्ट्रैक्ट भेजा तो ये आपकी पेनल्टी लगेगी। तो आप देख रहे हैं कितनी सीवियर पेनल्टीज हैं इस एक्ट के अंदर, सेबी एक्ट के अंदर बहुत ही सीवियर पेनल्टीज हैं। ठीक है,
अब इसी तरह सेक्शन 15 सी, फेल्स टू रिड्रेस इन्वेस्टर्स ग्रीवेंस, यदि कोई इन्वेस्टर्स है और उसकी शिकायत कि उसके बारे में आपने उसका शेयर सर्टिफिकेट नहीं भेजा, ट्रांसफर नहीं किया, किसी भी तरह डिविडेंड नहीं पहुंचा, किसी भी तरह की इन्वेस्टर्स की शिकायत है और इन्वेस्टर्स ने क्या किया, वो शिकायत दी सेबी को, सेबी ने उस शिकायत की पूरा इन्वेस्टिगेट करने के बाद में ऑर्डर दिया आपको इंटरमीडियरी को, कंपनी को, कि भाई इसकी ये शिकायत की सुनवाई की जाए, रिड्रेस की जाए, और टाइमली यदि उसकी ग्रीवेंस नहीं पूरी की गई तो सेम पेनल्टी उस कंपनी पर लगेगी फॉर नॉट रिड्रेसिंग द ग्रीवेंस ऑफ इन्वेस्टर्स। हाँ जी, बात आती है कुछ कुछ समझ में? तो पेनल्टी जो है अमाउंट इस केस में भी सेम है। अब आता है सेक्शन 15D, ये सेक्शन 15D क्या है? पेनल्टीज। हाँ जी, पेनल्टीज किस चीज की? पेनल्टीज फॉर डिफॉल्ट बाई म्यूचुअल फंड ने कोई कलेक्टिव स्कीम विदाउट रजिस्ट्रेशन, जितनी कलेक्टिव स्कीम निकालनी होती है म्यूचुअल फंड को, तो वो रजिस्टर करानी होती है किसके अंदर? सेबी के अंदर। तो क्या किया? तो उसने या तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कराया, या रजिस्ट्रेशन की जो कंडीशंस बताई थी, रजिस्ट्रेशन पे जो कंडीशंस थी उनका नॉन कंप्लायंस है, या तो विदाउट रजिस्ट्रेशन कलेक्टिव स्कीम लगाई, या रजिस्ट्रेशन में जो कंडीशंस थी उनको नहीं किया, या जो स्कीम, जो भी और कोई रेगुलेशंस थी वो कंप्लाई नहीं की, नॉट कंप्लाई। उसके अलावा यदि उस स्कीम की लिस्टिंग करानी जरूरी थी और नो लिस्टिंग नहीं कराई, ठीक है, नो डिस्पैच ऑफ यूनिट सर्टिफिकेट टाइमली, उसके यूनिट सर्टिफिकेट डिस्पैच नहीं किए, नो डिस्पैच ऑफ यूनिट सर्टिफिकेट नहीं डिस्पैच किए, उनकी कोई रिफंड की एप्लीकेशन आई, रिफंड टाइमली नहीं दिया, ओके, और बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट के नॉर्म्स हैं, इन्वेस्टमेंट नॉर्म्स, वो कंप्लाई नहीं किए, ठीक है। तो इन सब केसेज में भी यदि कोई भी एक भी काम किया, हर काम के लिए रुपीज, जिसमें भी डिले किया, रुपीज 1 लाख पर डे और रुपीज 1 करोड़ की का फाइन होगा सेक्शन 15D के अंदर, ओके। अब आता है 15E, ये सेक्शन 15E म्यूचुअल फंड को रन कौन करती है? AMC। तो सेक्स जो AMC है म्यूचुअल फंड की, वो जो भी कंप्लाई है कंडीशंस, उन कंप्लाई
नॉन कंप्लायंस हो जाती है तो उनको भी सेम पेनल्टी लगेगी। यदि उन्होंने कोई भी रजिस्ट्रेशन की जो कंप्लायंस है उन कंप्लायंस को नहीं किया। ओके, अभी जो इंटरमीडिएट को फेस टू कॉन्टेक्ट था इन टाइम, इसकी जगह अब जो है स्पेसिफिकली ब्रोकर्स के लिए इसी कॉन्टेक्ट नोट पर क्या फाइल है ये मैं आपको बताता हूं। सेक्शन 15F के अंदर स्पेसिफिकली वो जनरल इंटरमीडिएट के लिए था, ये सेक्शन 15F है ब्रोकर्स के लिए, पेनल्टीज फॉर ब्रोकर्स। हाँ जी, शेयर ब्रोकर्स हैं उन्होंने फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट है ना, फेलियर टू 15B तो था फेलियर टू कॉन्ट्रैक्ट इंटरमीडियरी के लिए था, ये फेलियर टू इशू कॉन्ट्रैक्ट नोट हर सिक्योरिटीज के शेयर के बाद एक कॉन्ट्रैक्ट नोट होता है वो इशू किया जाता है। जो भी आपने सेल परचेज की उसको इशू नहीं किया तो जो कॉन्ट्रैक्ट नोट की वैल्यू होगी उसका 5 टाइम तक आपको फाइन देना पड़ सकता है। ओके, आपने खरीदने के जिसने खरीदे उसको आपने शेयर डिलीवर नहीं किए तो आपको वही फाइन 1 लाख पर डे और रुपीज 1 करोड़ ये आपको फाइन लग सकता है। ठीक है, और अगर आपने एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर ली ब्रोकर ने तो क्या होगा, एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज कर ली तो 1 लाख और 5 टाइम्स ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज ये फाइन लग जाएगा उस ब्रोकर पर। ओके, अब जो सबसे जबरदस्त फाइन है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग पे, कितना, हाँ जी, ₹25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड। Which average higher? हाँ जी, बात समझ में आई आपको। अभी तक जो हम बात कर रहे थे हर चीज में लोअर की बात कर रहे थे, यहां पे हमने बात किया हायर की बात। 25 CR 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड, विच एवरेज हायर, तो ये आपका बेसिकली फाइन है जो कि बहुत ही सीवियर फाइन है। 25 करोड़ दैट इज 3 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट मेड विच एवरेज हायर। ठीक है, ये किसके लिए, इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होती है, ये इनसाइडर ट्रेडिंग पूरी डिटेल में बताएंगे लेकिन यहां भी हम आपको थोड़ा हिंट दे देते हैं कि हु एनीबॉडी डील्स आइदर ओन खुद और ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, खुद या दूसरे के बिहाफ पर वो डील करता है शेयर मार्केट में ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश्ड सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। आप कंपनी की कोई इंफॉर्मेशन है जो अभी पब्लिश नहीं हुई है
अनपब्लिश सेंसिटिव इंफॉर्मेशन के बेसिस पे या तो डील करते हो या उस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को किसी और को कम्युनिकेट करते हो या किसी को सलाह देते हो उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पे काउंसिल। ये सब काम के क्या कहलाता है? इनसाइडर ट्रेडिंग। तो जो भी पर्सन इनसाइडर ट्रेडिंग में इन्वॉल्व होगा तो उसका क्या होगा? इनसाइडर ट्रेडिंग में जो भी पर्सन इन्वॉल्व होगा उसको पेनल्टी लगेगी 25 ईयर, 25 करोड़ रुपए की पेनल्टी और 3 times ऑफ द प्रॉफिट। ध्यान रखने वाली बात यह है कि विच एवर हायर का मतलब कि 25 करोड़ तो लगनी ही लगनी है, समझे? क्योंकि प्रॉफिट यदि 1000 भी कमाया तो हायर क्या हुआ? 25 करोड़। बाकी सब में क्या था? लोअर ऑफ द वन लाख पर डे और 1 करोड़, लेकिन यहाँ 25 करोड़ और हायर। तो इनसाइडर ट्रेडिंग जो है बहुत ही सीरियस, क्योंकि इस शेयर मार्केट में जो सबसे बड़ा फ्रॉड होता था वो था इनसाइडर ट्रेडिंग एंड मेकिंग प्रॉफिट ड्यू टू द इनसाइडर ट्रेडिंग। हाँ जी, बात समझ में आती है। आइए अब आता है पेनल्टी अंडर सेक्शन 15H, दैट इज रिलेटिंग टू नॉन डिस्क्लोजर ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑब्लिक टेक ओवर। कोई भी कंपनी का टेक ओवर करना है तो अब आप होस्टाइल टेक ओवर नहीं कर सकते, उसका पूरा टेक ओवर कोड है उसके हिसाब से करना है। और जितने शेयर्स आपके पास पहले भी हैं, ठीक है, तो आपको बहुत सारी चीजें जब भी टेक ओवर करो तो आपको डिस्क्लोज करना है। क्या डिस्क्लोज करना है? डिस्क्लोज एग्रीगेट शेयर होल्डिंग, एग्रीगेट शेयर होल्डिंग इन टारगेट कंपनी। जो टारगेट कंपनी है उसमें तुम्हारी एग्रीगेट शेयर होल्डिंग है कितनी, उसके अलावा साथ में आपको एक अनाउंसमेंट करना होता है, दैट इज कॉल्ड पब्लिक अनाउंसमेंट। आपको क्या करना है? पब्लिक अनाउंसमेंट टू से एक्वायर शेयर एट मिनिमम प्राइस। पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर एट मिनिमम प्राइस। ओके, तो सबसे पहले एग्रीगेट शेयर होल्डिंग इन टारगेट कंपनी, पब्लिक अनाउंसमेंट टू एक्वायर शेयर एट मिनिमम प्राइस, ठीक है। थर्ड इज मेक ए, उसको पब्लिक ऑफर बना करना होता है, मेक ए पब्लिक ऑफर बाय सेंडिंग लेटर ऑफ ऑफर। तो यदि उसने शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज नहीं की, पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं किया या उसने एक लेटर ऑफ ऑफर नहीं भेजा, ठीक है,
क्या है एक फेल्स टू डिस्क्लोज फेल्स टू मेक ए पब्लिक अनाउंसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट फेल्स टू मेक पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन टू शेयर होल्डर्स ऑफ टारगेट कंपनी, ठीक है, हु सोल्ड शेयर्स pursuant to letter of offer। जिन लोगों ने इस लेटर के थ्रू आपको शेयर बेच दिए उनको आप पेमेंट नहीं करते हो, तो इन सब केसेस में आपको 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड, इसकी आपको क्या करना होगा, 25 करोड़ और 3 times ऑफ द प्रॉफिट मेड, इसका आपको पेनल्टी देनी होगी, ठीक है। यहां भी क्या है, विच एवरेज हायर, बात कुछ को समझ में आती है। सर ये तो बड़ी हैवी पेनल्टी है। हाँ जी, ये इसीलिए आपको पढ़ना जरूरी है और ये एग्जाम में आती भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप प्रोफेशनल लोग हैं, चाहे सीएस हो, चाहे सीए हो, चाहे सीडब्ल्यू हो, इन सब के केसेस के अंदर ये प्रोफेशनल्स की ड्यूटी है कि जितने भी अपने क्लाइंट हैं या एम्प्लॉय हैं उनको ये सारी चीजें उनकी नॉलेज में डालना कि कितनी सीवियर पेनल्टी है। पेनल्टी फॉर फ्रॉडुलेंट और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेज, तो ये सेक्शन 15HA है। ये क्या बताता है कि सेम 25 करोड़ और 3 times विच एवर इज हायर, ये आपको पेनल्टी इस केस में भी लगेगी, ठीक है। तो ये सारी पेनल्टी खत्म हुई, लेकिन कोई और आप वायलेशन करते हो जिसके लिए पेनल्टी नॉट प्रिस्क्राइब्ड, वेयर नो सेपरेट पेनल्टी प्रिस्क्राइब, कोई भी ऐसा वायलेशन करते हो जिसके लिए पेनल्टी प्रिस्क्राइब नहीं की गई है, तो वहां पेनल्टी 1 करोड़ रुपीज है। समझ में आया? आप ये नहीं समझे बस इन इन काम के लिए पेनल्टी है, यदि कहीं भी पेनल्टी और कहीं सेक्शन में नहीं आती तो आपको एक रेजिडुअल सेक्शन है जिसके अंदर 1 करोड़ रुपीज की पेनल्टी लग जाएगी। तो ये आपका हुआ पेनल्टीज अंडर 7 सेबी एक्ट। तो आज का हम लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, कोई और क्वेश्चन हो आपके दिमाग में यू कैन रेज इट।